ये भारत की कटरीना है, कभी सलमान खान ऐसा सीन देखकर हो गए थे। सलमान खान और कटरीना कैफ के बीच कभी कुछ था, फिर दोनों अलग हो गए। कटरीना और रणबीर कपूर रिलेशनशिप में आ गए और फिर दोनों अलग हो गए। कटरीना की रणबीर से अब बहुत ज्यादा दूरी है, लेकिन सलमान के साथ नजदीकी पर सिर्फ प्रोफेशनल वाली। इन दिनों कटरीना कैफ की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वो ऐसी लग रही है मानो पानी में आग लगा रही हो। इस तस्वीर के साथ सिर्फ फ्लिपिंग आउट का कैप्शन है, लेकिन ये बाकी कोई जिक्र नहीं। लाइक्स भी अब तक 16 लाख से ज्यादा आ चुके हैं। कुछ तो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या सलमान खान को इस फोटो से कोई परहेज तो नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों को उस दिन की बात याद आ गई जब सलमान खान कटरीना की एक तस्वीर देखकर आग बबूला हो गए थे। ये तस्वीर उस समय की थी जब कटरीना रणबीर के रिलेशनशिप में थी और 2013 में स्पेन के इबीजा में छुट्टियां मनाने गई थी, जहां चुपके से उनकी तस्वीरें खींच ली गई थी। कटरीना ने तब मीडिया को ओपन लेटर लिखकर अपने दिल की भड़ास निकाली थी। सलमान खान ने मीडिया से बातचीत में अपना गुस्सा दिखाते हुए कहा था कि अगर आपके घर की माँ बहन या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तस्वीरें कोई लीक करे तो कैसा लगेगा। स्टार्स की पर्सनल तांग झांग गलत है। रणबीर से अलग होने के बाद कैट ने सलमान खान का दामन थामे रखा और टाइगर जिंदा है में काम किया। कटरीना और सलमान एक बार फिर नजर आने वाले हैं फिल्म भारत में। ये कोरियन फिल्म ओड तो माई फादर का रीमेक है। ईद पर रिलीज हो रही इस फिल्म में सलमान और कटरीना को यंग से ओल्ड लुक में दिखाया जाएगा। फिल्म की शूटिंग मुंबई के फिल्म सिटी में शुरू होने वाली है और खबर है कि सलमान ने कुछ दिन घर छोड़कर फिल्म सिटी में रखने का फैसला किया है, ताकि वो ट्रैफिक में समय न गंवाए। फिल्म में दिशा पाटनी भी हैं।